हेलो दोस्तों दोस्तों आपका जॉब अपडेट्स एंड प्लेसमेंट प्रिपरेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इन्फोसिस इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए दोस्तों, मेरे बहुत सारे दोस्तों का आज 6 सितंबर 2021 को इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है। तो मेरे जो ये एक दोस्त है उसका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था 6 सितंबर यानी आज को, और उसका टाइम था 10:20 से लेकर 10:39 तक। तो देखिए दोस्तों, इसका इंटरव्यू लगभग 11 मिनट्स तक चला और इसको एक सारे क्वेश्चन पूछे गए जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, उसको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सेल्फ इंट्रोडक्शन, देन सेकंड क्वेश्चन उसको पूछा गया रोल इन योर प्रोजेक्ट। देखिए दोस्तों, आपने डॉक्यूमेंटेशन किया है या फिर आपने कोडिंग की है या फिर आपने डिज़ाइन की है, आपको ये सब मेंशन करना पड़ता है इंटरव्यूअर को जब वो पूछता है कि रोल इन योर प्रोजेक्ट। देन दोस्तों, उनको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विच टेक्नोलॉजी यूज्ड इन योर प्रोजेक्ट। तो देखिए, उसने अगर आपने जावा यूज़ की है या फिर पाइथन यूज़ किया, आपको ये यहाँ पे मेंशन करना होगा। देन दोस्तों, उनको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ओप्स कंसेप्ट के बारे में। दोस्तों ओप्स कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट वो टॉपिक है फॉर एनी इंटरव्यू प्रिपरेशन, और ओप्स कंसेप्ट के बाद डेटाबेस का बेसिक आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर उनको ओप्स कंसेप्ट पूछे गए। अगर आपको ओप्स कंसेप्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो आपको वो क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, ये सब कंसेप्ट मालूम होने चाहिए। देन फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग आल्सो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे उनको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ फंक्शन ओवरलोडिंग, एंड देन उन्होंने फंक्शन ओवरलोडिंग की डेफिनेशन बताने के बाद उन्होंने नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन पूछ लिया हाउ डेवलपर ओवरकम दिस ओवरलोडिंग प्रॉब्लम। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर डिटेल में चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो अपलोड कर दूंगा। देन दोस्तों, उनको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जो कि डेटाबेस बेसिक का था कि प्राइमरी की एंड यूनिक की डिफरेंस। देखिए दोस्तों, प्राइमरी एंड यूनिक की सिमिलर टाइप की होती है, बट उसमें 2-3 पॉइंट्स का डिफरेंस है। आप वो देख लीजिए कि नल पॉइंट वैल्यू कब एलोकेट होती है, डुप्लीकेट वैल्यू कब नहीं होती, आप ये देख लीजिए। देन दोस्तों, उनको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्राइमरी की फंक्शनैलिटीज़, एंड देन उनको ऑप्शनल दिए, मीन्स देखिए चलिए देखते हैं। उनको कहा गया चूज़ एनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन दी अबो लिस्ट, और उनको 3 लिस्ट दे दी टेक्नोलॉजीज़ की, ML, क्लाउड एंड AI। देखिए दोस्तों, ये तीनों के तीनों लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग भी लेटेस्ट है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लेटेस्ट है एंड क्लाउड भी। तो उन्होंने AI चूज़ किया, वो कहते हैं आई चूज़ AI, मीन्स उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चूज़ किया। तो उनको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड देन एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, निकल के क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद वो कहते हैं फाइनली HR क्वेश्चंस। एंड देखिए दोस्तों, उनको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डू यू हैव एनी प्रॉब्लम फॉर रिलोकेटिंग एंड शिफ्टिंग। तो देखिए उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव वाइब्स के साथ दिया कि मैं लोकेटिंग के लिए मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देन दोस्तों, उनको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डू यू हैव अ लैपटॉप, उन्होंने यस कहा। देन उनको पूछा गया एनी क्वेश्चंस फॉर मी, उन्होंने कहा कि एनी सजेशन फॉर मी। देखिए दोस्तों, इनका जो इंटरव्यू है वो लगभग 11 मिनट्स तक चला और जो कंडक्टेड मोड्स था वो वेबएक्स था। तो अगर दोस्तों आपका भी इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है 6 सितंबर को, तो अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।